हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर टेन ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री क्लास इलेवन मैथ्स क्वेश्चन नंबर टेन इज सेइंग इन हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्टिंग परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लेटर्स हैं मिसिसिपी वर्ड के इनको हमें अरेंज करना है और कितने वेज से हम इनको अरेंज कर सकते हैं अगर ये चारों आए ये चारों आए एक साथ ना आए तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल लेंगे मिसिसिपी के लेटर्स के तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 11 लेटर्स हैं मिसिसिपी में 11 लेटर्स के अंदर हमारे पास 4 एस हैं और हमारे पास चार ही हमारे पास आए हैं और दो हमारे पास पी है पी हमारे पास दो है नाउ टोटल नंबर ऑफ पम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी कैन बी रिटन बाय हम इसको कैसे लिख सकते हैं टोटल लेटर्स कितने हैं इलेवन सो so, सबसे पहले हम इलेवन फैक्टोरियल करेंगे अपॉन में जो सेम काइंड्स के लेटर्स हैं फोर I, फोर एस और फोर पी इनका हम फैक्टोरियल डिवाइड में किया करते हैं तो यहाँ पर हम फोर फैक्टोरियल आयस का आ जाएगा नीचे और फोर फैक्टोरियल एस का आ जाएगा क्योंकि चार एस सेम काइंड के हैं और दो फैक्टोरियल हमारा पी का आ जाएगा क्योंकि पी भी हमारे पास दो टाइप के सेम हैं अब यहाँ पर हमें इसमें से माइनस करना है जब चारों आय एक साथ हों चारों आय एक साथ कब होंगे जब हम चारों आयस को एक बैग में रख लेते हैं चारों आयस को हम एक बैग में रख लेते हैं। जब हमने चारों आय को एक बैग में रखा तो टोटल लेटर्स 11 थे जिनमें से चार चले गए तो बचे हुए रिमेनिंग सेवन हैं। सेवन लेटर्स हमारे पास रिमेनिंग है प्लस ये एक बैग सेवन लेटर्स प्लस ये आई वाला बैग आय वाला बैग सेवन प्लस वन कितना हो जाएगा एट आइटम्स हमारे पास टोटल हो जाएंगे हमने फोर आइज़ को एक बैग में रखा जिनको हमने एक सिंगल आइटम माना तो सेवन लेटर्स बचे हुए प्लस एक ये आय वाला बैग तो हमारे पास एट आइटम्स रिमेनिंग हैं तो अब हम इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये चीज़ हम इनमें माइनस करेंगे माइनस एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय अब हमारे फोर आए तो यहाँ से चला गया वो बैग में गया अब रिमेनिंग कितना है फोर फैक्टोरियल नीचे एस का रहेगा और पी का नीचे टू फैक्टोरियल रहेगा और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर थ्री थ्री एट वन ज़ीरो और आई होप आप सभी को ये सोल्व करना आता होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे एल्शियम ले लेंगे एल्शियम बनेगा हमारा फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल तो जब एल्शियम लेंगे थोड़ा हिंट में आपको मैं बता देता हूँ एल्शियम जब लेंगे तो हमारा यहाँ पर रहेगा एलेवन फैक्टोरियल माइनस और एट फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा फोर फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल अब स्टूडेंट्स हम 8 फैक्टोरियल को यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने पर जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा थ्री थ्री एट वन ज़ीरो आएगा